दिस इज योर आरजे निशा और आज मैं और आप हैं फैन हैशटैग द ब्लू माइक जहां आर्टिस्ट ऑफ द मंथ में फिलहाल हमारे साथ में दिलेर बाजी जुड़ रहे हैं। एंड दिलेर सर, आपके बारे में हम क्या कह सकते हैं, मतलब आप एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने गानों को ना सिर्फ हमारे लिए सुरों में पिरोया है लेकिन हमारे सीखने के लिए भी बहुत कुछ दिया है। पर संगीत से आपका ये जो लगाव है, ये जो प्यार है, ये कब से शुरू हुआ, इसकी जर्नी के साथ अगर आप शुरुआत करें तो? मैंने जब होश संभाली तो मेरे मेरे माता जी मम्मी श्री बलवीर कौर मेहंदी, मेरे पिता अजमेर सिंह जी, ये सब उस टाइम रियाज करते जब मैंने होश संभाले। अक्सर मैंने फार साहब को अपने तानपुरे में मेरे कान में आवाज बढ़ती रहती थी तो वो रियाज करते थे। और ज्यादा ज्यादा जो मुझे याद है, जब मैं शायद 3 साल का होगा तो जो मेरी आवाज गूंजती थी वो थी, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। तो ये ऐसा राग उस टाइम कानों में बसा। फिर जब मैं 5 साल का हुआ तब तो मुझे था कि मैंने मैंने सिंगर बनना है, और मेरे माँ बाप यही कहते थे कि हमारा बेटा सिंगर है। तो मुझे बहुत ही बहुत नाज नखरों से पाला कि ये सिंगर है, सिंगर है, सिंगर है। तो हम 6 भाई बहन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इज्जत प्यार मुझे बहुत बहुत मिला होगा, बहुत प्यार मिला। और 5 साल की उम्र में मैंने गाना गाना शुरू किया। तब फिर बहुत सारे गाने मशहूर हो गए, बॉबी फिल्म आ चुकी थी और बॉबी फिल्म के सारे गाने, और एक गाना जो बहुत ही हर जगह गली गली घूमता था वो था कि तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, वो नरेंद्र चंचल साहब का था, वो सूफी गाजर था। तो राजपूत साहब स्पेशल उनको लेके आए थे गाने के लिए, तो वो गाना भी मैंने बहुत गाया। फिर मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुकेश साहब का गाना, शोर साहब, इस तरह कुछ। जो मेरी मैं पैदा हुआ तख्त श्री पटना साहब बिहार, तो बिहार में पैदा होने से क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिला। प्रवीण सुल्ताना जी हुए और पंडित लच्छू महाराज जी, पंडित गुदई महाराज, श्यामा प्रसाद जी के तबले, लतीफ अहमद दिल्ली वाले, और फिर पंडित कृष्ण लाल जी। तो ये बड़े बड़े नाम, इनके कंसर्ट रात को, पहले बिहार में जब पूजा होती थी तो 24 24 घंटे कंसर्ट चलता था, उसमें बड़े बड़े नाम आते थे। तो वो ट्रेनिंग मुझे लगता है होश में, जो मुझे बहुत इतनी बैकग्राउंड अच्छी मिल गई। फिर जब मैं 1978 में जब हम लोग पटना से बनारस गए, तब मैंने उस वक्त 77 तब मैंने सुनी थी गजल, जिनके होठों पे हंसे पांव में छले होंगे, पहली बार गुलाम अली साहब की आवाज सुनी। और तो बेस बहुत स्ट्रांग हो गया म्यूजिकली, ये नहीं कि रातों रात की बस एक गाना गाया और हिट हो गया, ऐसा नहीं था। बड़ी मेहनत की है और स्ट्रगल सिर्फ म्यूजिक की है, वैसे पैदल चलने की या काम मानने की स्ट्रगल नहीं की। Absolutely, it's wonderful hearing you. तो दिलेर से जैसे कि लेकिन आपने कहा कि एक ऐसा पीरियड भी आया जहाँ 8 9 महीने आपने कहा कि एक स्ट्रगल टाइप पीरियड था, कि होता है कि कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम उसी को खोते हैं कुछ और पाने के लिए और बनाने के लिए, लेकिन उस स्ट्रगल के दौरान पर हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर्स कहते हैं, कि ये वो लोग हैं जिन्हें हम पे भरोसा होता है कि भले ही हम स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन वो आपके साथ खड़े होकर आपको कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो, जिस चीज के पीछे मेहनत कर रहे हो, वो बिल्कुल सही है एंड मेरे आपको माँ सक्सेस मिली। मेरी माँ हरदम, और स्ट्रगल के टाइम ही जब गानों में चल रहे थे, शोज वगैरह होते थे, एक दिन मम्मी गा रही थी, ओ गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्ढी, ऐसे बैठी थी कमरे में और गा रही थी। तो मैं मम्मी को बीबी बोलता था, मैं कहा बीबी ये फिर से गाओ, फिर सुना है मैं क्या बोलती, ये पंजाब की बोली, मेरी नानी गाती थी तो मैंने बचपन में सुनी हुई है, तो हम लोग खूब डांस करते थे। तो नानी
गाती थी तो मींस बात वो कर रही होंगी अराउंड कोई 55 56 टाइम की, 1955 56। तो वो बोली, उनको बोली याद थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं बीबी मैं गा दूँ तो जरूर गा दूँ। तो वो कहते हैं माँ ने जन्म भी दिया और कर्म भी दिया, माँ ने पैदा भी किया और लक भी दिया, मुझे गाना दिया इतना बड़ा बोला। तो मैंने तो पूरा गाना बना लिया और बस वहां से फिर चल पड़ी तकदीर। और फिर तो पूरा पूरी दुनिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 95 में गाना रिलीज किया था हमने, आज पता नहीं कितने साल हो गए और सब जगह चल रहा है। एब्सोल्युटली. लेकिन दिलीप जी, जब हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात करते हैं और हम जब 90s का दौर देखते हैं या अर्ली 2000s देखते हैं, बहुत चुनिंदे लोग थे जिन्हें हम याद करते हैं कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाया था अपनी एक अलग जी पहचान, अपने एक अलग गाने के साथ. लेकिन आज जी जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब वो गाने हमें उतने याद नहीं रहते जो उस जमाने के आज भी हम गाते हैं. अगर आज भी आप बोलो तारा रारा गाओ तो हम गुनगुना सकते हैं, लेकिन अब आप वो गाने वैसे ऐसे हैं जिन्हें हम गुनगुना नहीं सकते हैं. तो आपको जैसे क्या अब लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है? बोलो तारा, मैंने जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग बड़ा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठुमरी क्लासिकल। तो आप जब बोलो तारा सुनेंगे तो उसके पहले और कितने पंजाबी गाने सुनेंगे या उसके बाद भी कितने पंजाबी गाने सुनेंगे, ये मेरे गाने हरदम डिफरेंट होंगे। उसके अंदर सबसे पहले ताल, मैं हम लोग ट्यूनिंग को बहुत बहुत महत्व देते हैं हमारे गानों में। जो 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 रिदम बज रही है, एक एक चीजें बज रही है, प्रकर्शन बज रहा है, उसको पूरे ट्यूनिंग पे ध्यान दिया जाता है। फिर कंपोजिशन पे ध्यान दिया जाता है। फिर उसमें जो मैं रिदम पैटर्न सारे मैंने खुद बनाए कि कब ढोलक और किस तरह से क्या क्या मर्ज होगा, ये चीजों को बहुत बहुत मेहनत से बनाया हुआ है बहुत। तो आजकल का मैं देखता हूँ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और एक तो म्यूजिक बैकग्राउंड बहुत कम होता है, बहुत कम म्यूजिक बैकग्राउंड कम होते हैं। और बैकग्राउंड यही है कि लैपटॉप खोलना आ गया, वहां पे धुन क्लिक करनी समझ आ गई, यहाँ से टिक 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 शुरू हो जाता है। तो क्या करते हैं अपना तो पता नहीं क्या बनाना, क्या राग बन रहा क्या नहीं बन रहा। अभी भी मैं बहुत हैरान होता हूँ कि अच्छे अच्छे रिकॉर्डिस्ट, कई बड़े बड़े लोग, उनको सुर का पता नहीं होता कि सुर क्या है, सुर क्या गा रहे हैं आप। तो जब बड़े करेक्ट. बड़े 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 लोग ऐसे करते हैं तो इससे क्या होता है कि म्यूजिक बनाते हैं अपनी खुशी के लिए, और कोई हफ्ते एक महीने के लिए डेढ़ महीने के लिए गाना चला फिर कोई याद ही नहीं रहता। आज 27 साल हो गए बल्ले बल्ले डरती रब रब तुनु तुनु तुनु, मैंने कब बनाया था 99 में। और मैंने कहा था जब बनाया था गाना तो मेरी कुछ रिश्ते में मासियां गंगोत्री विकास में बैठे थे, वो सब बैठी हुई थी। तो मैंने बनाया कि ढोलना ढोलना बच्चे तुम्बे वाली तार, सुन दिल दी पुकार आ जा कर लिए प्यार ढोलना। तो एक तो राग गार था, तो मेरी रिश्ते में मासियां थी थोड़ी दूर से, सब अच्छी गाती थी सुनती थी एकदम अलर्ट में देखने लगी ऐसे। तो एक उनका नाम था अंबी, अंबी मासी बोलते थे, बहुत प्यारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी तो बहुत खूबसूरत, तो बुजुर्ग थी। मैंने कहा कि क्या हुआ मासी, तो उनकी आंखों में आंसू थोड़े, बोलती दिलेर ऐसा लग रहा है मैं कहते गाना सुने होया लगता है, कोई पुराना गाना लग रहा है। तो मैं ये बहुत खुश हुई कि इनको पुराना गाना लग रहा है। लेकिन और अब ये हाल ही में कोयलिया, आपने गाना बना है कोयल है, इसके बारे में भी जरा बताइए कि ये गाना कहाँ से. आप बड़ी हैरानी की बात है कि जब भी मैं कोयलिया उड़ जा यहाँ ना हिंगो, तो बहुत छोटा था और बहुत सारे उस्ताद लोग बैठे थे, मेरे माँ बाप बैठे थे, मेरे भाई बहन बड़े उस्ताद सब बैठे थे। और मुझे याद है कि एक छत थी जहाँ पे 200 लोग की अरेंजमेंट थी छत पे, तो वहां तो क्लासिकल चल रहे थे गाने। सडनली सुबह 3 साढ़े 3 बजे मुझे, वो इनका नाम नहीं मालूम कौन थे उस्ताद, कोई कौन थे बंदे थे,
उनकी बारी, वो बैठे, उन्हें गाया, कोयलिया उड़ जा यहाँ नहीं बोल। ऐसा ने जब किया ना यहाँ नहीं बोल, मुझे लगता कि सब लोगों की वहां पे मतलब कहते हैं चीखे निकल जाने की, वाह। सुबह 3:30 बजे ऐसा उसने नोट, इतनी अच्छी आवाज उनकी, ऐसा नोट लगाया ना यहाँ नहीं बोल, वो मेरे यहाँ अंतरात्मा में बस गई बात वो राग। और यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मंच, वो जो आलू चाट कुछ गाने उनके बड़े 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 हिट हैं, मंच म्यूजिक, पूरा मुझे याद नहीं। वो आए कि पाजी गाना करना आपके साथ हमारे स्टूडियो में। मैंने ठीक है, उनके साथ NS चौहान, तमंचे पे डिस्को जिसने लिखा, लड़का बहुत तेज, अभी मेरे सारे गाने गाते हैं NS चौहान, और साल में 200 200 शो बुक होते हैं उनके, NS चौहान के, जिसने राइटर जिसने लिखा है। तो वो आए यहाँ पे स्टूडियो में बैठे, तो कुछ गाना कोई और लेके आए थे, तो मेरे साथ फिर वही हुआ जैसे हर तरफ तेरा जलवा है। मैं माइक पे खड़ा हुआ, मैंने गाना बताओ, बोले जी ये गाना, मुझे कोई पता नहीं कौन सा गाना था, पर जो उनकी धुन थी कुछ और, मैंने बंद किया, मैंने कहा मुझसे एक सुर दे दे। वो सारे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। मैं कहा पहले मैं अपना गा लूँ जो मुझे याद आ रहा है, मुझे सुन रहे हैं, तब तो मुझे सुना, तेरी आ मैं तेरी आ ओलाइया का तो तेरी आ, ओलाइया का तो तेरी आ, रोनिया तेनू याद करके, रोनिया तेनू याद करके। ये एक लाइन बहुत तेज से लगी, तो मैंने आकाश जेटली हमारे साथ, बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर हैं, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, खूबसूरत, बहुत सारी फिल्म रिकॉर्ड की। तो मैंने कहा आकाश जी आप प्लीज इसको रिकॉर्ड करो, तो एक लाइन को रिकॉर्ड किया, तो जो NS चौहान था लड़का राइटर, वो बोले भाई मैं कुछ रुकू, मैं लिख गया, तो आप सुने, मैंने माइक पे खड़े होके वो लिखता जा रहा है, मैं बनाता जा रहा हूँ धुन को, ये गाना ऑन माइक कंपोजिशन ट्यून सब उस पर बनी। बाद में फिर शंकर ने इसको अरेंजमेंट किया, बाद में तो बहुत, फिर तो 5 6 महीने लगे इस गाने के अरेंजमेंट के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन जो बना है पूरा स्केच उसका, वो वहां पर माइक खड़े हो गए। तो जब वो गाना बना और फिर मुझे लगा ये तो राग बेस इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर मुझे वो कोयलिया एकदम कोयलिया, वो मैंने फिर जोड़ना चाहिए इस लाइन को। तो इस करेक्ट, हिसाब से ये ब्रिज भाषा और पंजाबी फर्स्ट सॉन्ग है, पंजाबी लैंग्वेज और ब्रिज भाषा, और राग बेस और हिप हॉप, इंडियन क्लासिकल और हिप हॉप, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा गाने का बना। और इसका म्यूजिक जो अरेंजमेंट किया है वो राजू हमारे साथ हरदम रहते हैं, वो करते हैं, और NS चौहान जी ने लिखा हुआ है कंपोजिशन, और मुखड़ा मैंने लिखा, और फिर इसको जो डायरेक्ट किया वो चार चांद लगा दिए अहमद खान। लेकिन दिलीप भाई जी, जब हम बात सूफी गाने की करते हैं तो सूफी गाने का इतिहास जो है, आप जितना जानते हैं और जितना आपने हमें परोसा है उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि सूफी म्यूजिक की खासियत क्या है, और आप सूफी म्यूजिक से कैसे जुड़े, और आपको कितना अच्छा लगता है जब आप कोई सूफी गाने के साथ जुड़ते हैं या उसे गुनगुनाते हैं? देखिये जो मेरा सूफी है वो जो मैंने सुना है वो है रब के घर से आया हुआ सूफी। जी जो लोग सूफी गाते हैं है उनका बहुत प्यार, पर वो डाइवर्ट हो जाते हैं आशिकी मशूकी के साथ, और यहाँ पे जो सूफी है वो सबसे बड़ा जो मुझे ब्लेसिंग मिली, कि मैंने जब मैंने कहा मैंने होश संभाला है, तो मेरा जन्म हुआ तख्त श्री पटना साहिब बिहार में, पटना जी साहिब, और मेरा बचपन सारा गुरु दर पे गुजरा है, गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा शेख फरीद जी की बाणी, जहां से सूफीज्म जो डूबी हुई है और उनसे बढ़ के उठे एंडी वहीं पे। तो मेरा सूफी जो है वो बिल्कुल सच्चाई से जुड़ा हुआ है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं गाता हूँ तो
बहुत मेरे अपने अंदर से अंतरात्मा से कि मैं उसको एक बिल्कुल पूजा की तरह गा रहा हूँ। जी सूफी मेरा बहुत सुना, भगत साधना, बाबा शेख फरीद, फिर भगत पीपा, 22 भगत हैं जिनकी वाणी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। तो मेरा जो गाना सूफी है ना, वो बिल्कुल ठोस और सच्चाई है। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट है दिलीप भाई जी जो इन दिनों आपको बड़ा अच्छा लगता है और जिनके गाने सुन के आपको लगता है कि यार इस बंदे या इस बंदी में बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तफैल नियाज़ी साहब, उनका आप जो पूरा वर्ल्ड गाना गाता है, साडा चिड़िया दा चंबा बेबावला असी उड़ जाना, तो पहली बार तफैल नियाज़ी साहब ने उसको गाया था। और दूसरा गाना छल्ला छल्ला मेरी ओ बुरे वतन, वो भी तफैल नियाज़ी साहब का, जिसको बाद में शौकत अली ने गाया, फिर बहुत 20-25 साल बाद गुरदास मान जी ने गाया उसी गाने को। गाना तो फैल साहब का बड़ा ही कमाल है। और फिर नुसरत अली साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि नुसरत साहब ने बहुत ज्यादा क्लासिकल को ऊपर लेके आए, और जो जी उनका म्यूजिक था उन लोग कहते हैं गिणितकारी, बहुत मुश्किल होती लयकारी, उसको उन्होंने नई चीजें इंट्रोड्यूस किया। फिर बख्शी सलामत बहुत अच्छे गाते हैं। लेकिन आपने बड़े अब इंटरेस्टिंग एक मेटावर्स में भी इनफैक्ट सबसे पहला नाम आपका था कि दिलीप भाजी ने जगह ली, अब उसका नाम है बल्ले बल्ले लैंड, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि इसका नाम क्यों इस तरीके से चुना आपने और कितना स्पेशल है ये आपके लिए? ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए कि अमेरिका, सिर्फ अमेरिका की धरती को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, पूरी वर्ल्ड में अमेरिका छोड़ के सिर्फ मैं ही हूँ जिन्होंने मेटावर्स लैंड खरीदी। जी इसका मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का। और पहला नाम मेरा था मेटावर्स में। अब तो बहुत सारे और बहुत सारे जोकर हैं जिनके नाम आ रहे हैं, पर बड़े अच्छा लगता है, जबरदस्ती नाम आ रहे हैं। और पर जो रियली काम हुआ तब किया, HD कैमरा वीडियो पहला लॉन्च करने वाला मैं, और पूरे एशिया में वर्चुअल जो कैमरा है वीडियो वो पहला मैंने लॉन्च किया, सैमसंग ने मुझे चूज किया, मैंने बनाया। तो बहुत सारी बड़ी फहरिस्त हैं। मैं जो भी भगवान मुझसे काम कराता है वो पहली क्यू में पहला मैं खड़ा होता हूँ। बच्चन साहब का डायलॉग था कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, तो ये भगवान की ब्लेसिंग है। मैं कुछ नहीं करता, अपने आप ऐसा मौका लेके आता कि बस लाइन फिर वहां से शुरू हो जाती है। क्या बात है। लेकिन लाइन से अगर हम बात करें तो एक और लाइन में हमारे एक और गाना जहन में आ रहा है कि वो है लाखों है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा गाना आपका रहा है। तो जब सूफी गानों की हम बात करते हैं तो क्या हम दलेर पाजी बहुत को अच्छा इस गाना, गाने, कुछ और गाने ये भी ऐसे गाना ही है तो चलाते हैं? याद आ गया, थैंक यू आपने याद किया। लाखों है रंग जमाने के, ना अपने ना बेगाने से, ये गाना मैंने बहुत दुखी होकर बनाया था। और ये सही सूफी इसलिए है कि लाखों रंग जमाने के, अपने अपने ही दोस्त यार भाई बहन, पति पत्नी दोस्त, पता नहीं कब कौन सा रंग कब चेंज कर देते हैं, बैठे बैठे समझ नहीं आती आपको कि हुआ क्या है, आपको समझ नहीं आती। तो ये मैंने बनाया कि लाखों है रंग जमाने के, ना अपने ना बेगाने से, रब्बा मेरे रब्बा तू है कहाँ, एक तू ही है, अब उसको कैसे ढूंढू, कहाँ ढूंढू जो तू मेरी बात सुन सके। और जी ये गाना मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने जब सबसे पहले इस गाने को पब्लिक में गाया था चित्तौड़गढ़ में, वहां पे 50,000 के लोग थे मेला में, 50,000 लोग, तो इतना मजेदार। और मेरे साथी जो अभी नहीं रहे हमारे म्यूजिशियन थे, हेमंत शर्मा विक्की, तो वो बहुत मेरे मूड को समझते थे। तो ये आप गाना सुनेंगे लाखों रंग जमाने के, ऐसा म्यूजिक, ऐसी कमाल कंपोजिशन मैंने की, उसको उन्होंने ऐसा म्यूजिक अरेंज किया। तो सखी ना सहने मैं अकेली, सखी ना सहने मैं अकेली, है दुआ
है धुआं है धुआं, लाखों है रंग। ये भी हम लोग ये YouTube में सुनने के लिए है, लेकिन अब बहुत जल्दी इसको हम लोग लॉन्च करेंगे प्रॉपर वीडियो के साथ, म्यूजिक के साथ। कुछ गाने मैंने YouTube पे इसलिए डाल रखे हैं कि गाने बहुत जल्दी चोरी भी होते हैं, तो मेरी आदत है मैं हर जगह गा देता हूँ बेधड़क। तो फिर मुझे टीम ने कहा कि कम से कम गाना बना दे दो, जैसा मर्जी वाले यूट्यूब पर डाल दो, बाद में आप लॉन्च करते रहो ताकि कोई गाने को चोरी ना करे। करें, ये भी बात सही है। लेकिन पाजी, आपके जितने भी हम म्यूजिक वीडियोस देखते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, कमाल के रहे हैं। चाहे 90 की बात करें, चाहे 2000 की बात करें, इनफैक्ट अगर अब आपके जितने भी गाने आएंगे, आप बड़े कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा खेलते हैं आप वीडियोस के ऊपर भी। कलर जी कॉम्बिनेशन है, डेस्टिनेशन है, आपकी कॉस्ट्यूम्स है। और आजकल हम कितने आर्टिस्ट को ऐसे देखते हैं कि वो एक लिरिकल वीडियो डाल देते हैं कि जहाँ सिर्फ गाने के बोल चल रहे हैं और पीछे और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसी गाने को जब सामने पब्लिकली लाना है तो उसके पीछे एक म्यूजिक वीडियो का होना बहुत जरूरी है? मुझे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी काफी टीम सलाह देती होती कि म्यूजिक से बन रहे हैं, कुछ कार्टून नाच रहे हैं, गाना डाल दो, ऐसा कर रहे हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। पर मुझे जी लगता है बहुत अच्छा, लोगों को पसंद आता है तो अच्छी बात है। पर मेरे थोड़े दिल में होता है कि अगर वीडियो साथ में विजुअल हो जाए तो फर्क बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और बाकी हर आदमी का काम करने का तरीका अपना है, और मुझे ये मालूम है कि मेरा गाना ही ऐसा होता है कि उसमें विजुअल हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी, क्योंकि हर जगह विजुअल तो बचता नहीं, गाने बज रहा होता है। पर विजुअल होना मेरे मन को लगता है कि आर्टिस्ट को एक एक राजा की तरह रहना चाहिए, और कुछ लुक, कुछ उसका उठना बैठना दिखना बहुत जरूरी है। तो दिलीप जी, आपका एक लास्ट गाना है जिसे के बारे में बात करना चाहती हूँ, राजन के राजा। तो इस गाने की जो खासियत है और इस गाने के पीछे की कहानी जो है, अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर सके प्लीज। ये बहुत ये शायर शहनशाह महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बाणी, दशम ग्रंथ से बाणी के वो लिखते हैं कि बिल्कुल आप में और रब के अंदर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ओके तो रब वो जो राजन के राजा, महाराजन के महाराज, जो कई सदियों से राजाओं को बनाता है और राजाओं को मिटा देता है, तब से चलता आ रहा है आदिकाल से। कितने राजे आए कितने गए, जो महाराज है राजेंद्र राय महाराज, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाइए, आपके जैसे राजे को छोड़ के, हे प्रभु सबसे बड़े राजा महाराज आप, जी आपको छोड़ के किसी और की मैं पूजा क्यों करूं, किसी और को क्यों मानूं। सही है। राजन के राजा महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ तेरे, आपके सर राजा को छोड़ के दूजा कौन ध्याई है। छत्रपत छत्रधारी, छत्रपत छैल छैल छित, विश्वनाथ को जैसे बड़े को से बल कमा रहे, ये न्योली कर्म दूताधारी, जो न्योली करते हैं योगा वाले, न्योली करना कहीं तो पूरी साड़ी या कपड़ा अंदर डाल के आंतरी साफ कर लेते हैं, करेक्ट। वो कर्म है न्योली कर्म। दूधाधारी, कुछ लोग जैसे दूध ही पीते हैं, कहते हैं ये जो महाराज हैं इन्होंने सिर्फ दूध के सिवाय कुछ पिया ही नहीं, इन्होंने आज किसी चीज को टच नहीं किया। बाजीगर, करेक्ट। बाजीगर जो अलग अलग खेल दिखाने वाले, बाणधारी जो सबसे बड़ा है, एक कमाल बाणधारी है बाजीगर बाणधारी, बंधन बताइए कि महाराज ये सब जो करते हैं ये बंधन में बंधे हुए हैं, खुले हुए नहीं है। ऐसे एक आप ऐसे हो जो खुले में चल रहे हो, बिल्कुल आप ही को मानूंगा, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे महाराज हो, तो राजन के राजा ही है। तो मैंने बनाई थी जब राजन के राजा महाराज के महा, ऐसो राजू छोड़ तुझा कौन ध्यान,
बात है। तो दिलीप भाई, आप इतने शोज करते आए हैं, कभी कोई ऐसा मिला जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो और वो कॉम्प्लीमेंट आपको आज भी दिल में याद है? मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। मुझे स्टेज के ऊपर बोला स्वर्ग की देवी आशा जी ने कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, जी पर मैं दिलेर जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत सुर में गाते हैं और लय में गाते हैं और दिल से गाते हैं। इससे बड़ा कमिटमेंट क्या होगा। मुझे लगता है कि ऑस्कर भी फेल इसके सामने। बिल्कुल एक बार पुणे में भीमसेन जोशी जी के बहुत बड़े को शागिर्थ थे, उनकी उम्र होगी 70 ईयर, वो मुझे आए और उन्होंने घेर के खड़े होकर बोलते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बोलते कि मैं आपको पहले मिलना चाहता था, आपको बताना चाहता था मेरे मन में कि मैं एक बार गुरु जी के पास बैठा था, भीमसेन जी के पास, तो बोले कि मैंने उनको पूछा कि आपको कौन पसंद है आज की दुनिया में, अभी तो आपका गाना बज रहा था। बोले ये तो पॉप गाना है। बोलते जो भी गाता है छोड़ दे, एक तो सुरीला बहुत है और उसकी आवाज बिल्कुल सिंगरों जैसी आवाज है। तो क्या बात है। ये बड़े इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट हैं। गुलाम अली साहब ने बहुत प्यार किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग। मुझे नौशाद साहब ने कहा था जी कि इतने प्यार से बोले कि दिलेर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अलग है और एक दिन अलग ही धमाका करेगी। अमजद खान, शोले वाले गब्बर सिंह बहुत सुंदर पंजाबी बोलते थे। मुझे कहते कि दिलेर जी तुम बहुत अच्छा गाते हो और एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा दुनिया च, बाल मत कटाना, हरदम पगड़ी बांध के रखो। 86 में उन्होंने मुझे बोला। तो मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग बड़े बड़े लोगों की मिली। एब्सोल्युटली जो, क्या बात है। थैंक यू सो मच दिलीप भाजी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सूफी दुनिया के साथ हमें जोड़ा और उसके साथ में इतनी सारी कहानी उसके साथ बताई जो लगता है कि वाकई इस जनरेशन को पता होना बहुत जरूरी है। थैंक थैंक यू सो मच। यू थैंक सो यू। मच।